सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं क्रांतिकारी बहादुरों की धरती मोदी नगर में। ये गाजियाबाद का बहुत अच्छा तहसील है, बहुत सुंदर शहर है। यहाँ अम्बेडकरवादी रविदासी बुद्धिस्ट बहुत संख्या में रहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर भूपेंद्रपुरी में अम्बेडकर भवन बनाया गया है। आज कई संगठनों ने यहाँ मिलकर के बैठक ली और मेरे द्वारा सबको आमंत्रित किया गया 5 मार्च राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के लिए। मैं आप दिला दूं, ये वो धरती है जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ 1953 में बाबा साहब आए थे। और मैं आज सभी लोगों को आमंत्रित करके करने आया हूँ और सभी लोगों को हमने कार्ड दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने कार्ड सामने दिखाएं ताकि पता चले कि आपको निमंत्रण हमने दिया है। कार्ड सामने दिखाइए, सभी लोगों के पास अपने अपने कार्ड हैं, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और मैं आह्वान करता हूँ मोदी नगर की धरती से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी ब्लॉक हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी मंडल और जिले हैं, सभी लोग जिम्मेदारियों के साथ लग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वैशाली मैदान में पहुँचे। ये कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सम्मान का विषय है, ये कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सम्मान का विषय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और देखिए, लोग कार्ड दिखा करके ये गवाही दे रहे हैं कि इनको आमंत्रण पत्र मिला है और ये लोग पहुँच रहे हैं। मैं एक नारा लगाना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, बाबा साहब, बाबा साहब। जोश से भरे लोग हैं, साहस से भरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि मोदी नगर की धरती से हजारों लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन 5 मार्च मेरठ पहुंचेंगे। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।